नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। यूरो इंटरनेशनल राजस्थान के उन स्कूलों में से एक है जहां पे अर्ली एज से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है, और इस स्कूल में जितनी बार भी मैं आता हूं तब तब मुझे नई चीज़ें पता चलती हैं, जो बच्चे इनोवेशन कर रहे हैं, कैसे बच्चों का कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। उसकी वजह से सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में यूरो इंटरनेशनल स्कूल का नाम उभर कर सामने आ रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं गूगल के द्वारा करवाए जाने वाले कंपटीशन गूगल कोड टू लर्न के बारे में। पूरे भारत भर के लाखों बच्चों में से 2019 में 19 बच्चों को विनर घोषित किया गया, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स गूगल को सबमिट किए थे और उनके आइडिया, उनके विज़न, वो सबको देखते हुए गूगल ने 19 बच्चों को सेलेक्ट किया। और उनमें से दो बच्चे यूरो इंटरनेशनल स्कूल के हैं, और ये सिर्फ सीकर के लिए नहीं, सिर्फ शेखावाटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान भर के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि पूरे राजस्थान से सिर्फ दो बच्चे यूरो इंटरनेशनल स्कूल से सिलेक्ट किए गए हैं गूगल के द्वारा। और गूगल के द्वारा करवाए जाने वाले कॉम्पिटिशन को आप खुद समझ सकते हैं कि वो अपने आप में कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है, जिसे गूगल ऑर्गेनाइज करवा रहा है, गूगल इंडिया ऑर्गेनाइज करवा रहा है। नमस्कार, मैं सबसे पहले पौरुष और उद्धव को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। ये राजस्थान की संपूर्ण शिक्षा जगत के लिए गौरव का विषय है, और मैं ये कह सकता हूँ कि एक नई पहल भी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो वोकेशनल कोर्सेज की ड्यू इम्पोर्टेंस है, उसको एस्टेब्लिश करने की तरफ ये पहला कदम भी हम मान सकते हैं। आज सुबह दैनिक भास्कर में मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर सुमेर सिंह भी स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। नई शिक्षा नीति में भी इसके ऊपर पूरा एम्फेसिस किया गया है, और कोडिंग करिकुलम जो है वो इसी दिशा में एक नया पहल हम मान सकते हैं। मैं आपको इस परिणाम की तैयारी की पृष्ठभूमि से भी अवगत कराना चाहूँगा। सन 2015 में मैं रॉबिन शर्मा की एक वर्कशॉप में कनाडा गया था। रॉबिन शर्मा एक मोटिवेशनल लीडर हैं, वहाँ पे एक शिक्षाविद से मैं मिला, और उन्होंने ये बताया कि 2014 में यूके ने कोडिंग करिकुलम अपने स्कूल्स में यूकेजी क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए लागू कर दिया, और यूएस भी 2016 में इसको लागू करने वाला है। तो उसके बाद मैंने इंडिया आके और IIT दिल्ली के साथ एक NGO काम करता है, एडू एक्सीलेंस, उनके साथ जुड़ा। फिनलैंड, कनाडा, यूके, यूएस, इटली जैसे देशों में हम 15-20 दिन रुकते हैं। वहाँ के स्कूल्स में हमने इनोवेशंस को जानने का प्रयास किया, और कोड विद्या के नाम से एक कंपनी एस्टेब्लिश की, और हमने एक साइंटिफिक कोडिंग करिकुलम, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम डेवलप किया, जो बच्चों को क्लास फर्स्ट से क्लास 10 तक कोडिंग सिखाता है। इससे पहले ये माना जाता था कि कोडिंग जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का विषय है। हमने इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की है। मेरा मानना है कि भविष्य की 60% नौकरियां जो हैं वो कंप्यूटर डोमेन में होंगी, जबकि भारत देश में इस एज में मात्र 15% बच्चे जो हैं वो कोडिंग सीखते हैं। तो पिछले 3 साल से कोड विद्या और यूरो स्कूल ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है, और हमने बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू किया। आज उसका परिणाम आप सब लोगों के सामने है। मेरा एक सपना है कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो स्कूल करिकुलम का हिस्सा हो, और हर बच्चे को ये फ्रीडम मिले कि वो उस स्किल में अपने आप को एजुकेट करना चाहे, और उसको वो इतनी फ्रीडम भी मिले कि वो अपने पैशन को फॉलो करे, और वो स्किल डेवलपमेंट के लिए उसको प्लेटफॉर्म मिले। और आने वाले कुछ 4 से 5 साल में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वे स्कूल्स में प्लेसमेंट के लिए आना शुरू हो जाएंगी। और पौरुष को मैंने कई बार ये कहा भी है कि मेरा ये सपना है कि कोई बड़ी कंपनी देर को 1 करोड़ के पैकेज पे स्कूल से प्लेसमेंट दे, और जिस तरह की तैयारी हम कर रहे हैं और ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा सपना जल्द ही पूरा होगा। धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं अब उन दोनों बच्चों से जिन्होंने हमारे सीकर का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। लेकिन इनसे मिलने से पहले हम थोड़ी सी बात करें कोडिंग के बारे में। कोडिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, ताकि किसी भी तरह के ऐप्स हैं, गेम्स हैं या वेबसाइट्स को बनाया जा सके। यूरो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने ऑलरेडी बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं जो कि आज के दिन लाइव हैं,
उनमें से एक के बारे में हम बात करें, EIS न्यूज़ पोर्टल, जिस पे पूरे देश या दुनिया भर की खबरों को आप देख सकते हैं। और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी वो लाइव है और उस पे रोज नई नई खबरों को अपडेट किया जा रहा है स्कूल्स के बच्चों के द्वारा, आप उसे भी चेक करना न भूलें। और बहुत सारे, अगर हम कोडिंग की बात करें या कोडिंग से होने वाले फ़ायदे के बारे में हम बात करें, तो पूरे देश भर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन के दौरान 100 crore के टर्नओवर वाली कंपनियां खड़ी कर दी हैं आज के दिन में। तो ऐसे ही बच्चे आज हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो हमारे साथ है उद्धव अग्रवाल और पोरुष जालान। उद्धव अग्रवाल 10th क्लास का बच्चा है और पोरुष जालान 7th क्लास का बच्चा है। तो आप देखिए 7th क्लास में बच्चे आज के दिन में क्या क्या सीख रहे हैं। तो उद्धव, आप मुझे बताएं कि आप इस कॉम्पिटिशन के बारे में, कि आपने इसमें क्या ऐसा बनाकर गूगल को आपने भेजा कि जिससे कि आप लाखों जो बच्चे थे पूरे देश भर से जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए होंगे, उनमें से आपको गूगल ने चुना। जी, तो मैंने एक ऐसा ऐप क्रिएट किया है जिसका नाम है हीरो चैट। इस ऐप की मदद से कोई भी स्टूडेंट किसी भी वक्त कहीं पर भी अपने टीचर से कोई सा भी डाउट पूछ सकेगा और उसका तुरंत हल पा सकेगा। इससे उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और वो अपनी पढ़ाई घर पर आराम से कर सकेगा और उसे ट्यूशन जाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। मैंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है ट्रैवल गाइड, जिससे आप इजीली एक रिलायबल गाइड ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि आप कहीं नई जगह घूमने जाते हैं तो आपको एक रिलायबल और अच्छा गाइड चाहिए होता है, और जो गाइड्स होते हैं उन्हें अपने क्लाइंट्स ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया, इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर दिया जिसमें गाइड्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो ट्रैवलर्स होते हैं वह उनकी रेटिंग्स दे के उन्हें बुक कर सकते हैं। इससे जो गाइड्स होते हैं उन्हें भी अपने क्लाइंट्स ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और जो ट्रैवलर्स होते हैं वह भी अच्छा और रिलायबल गाइड ढूंढ सकते हैं और अपनी ट्रिप का आनंद ले सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, ताकि जब भी कोई कहीं जा रहा है तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एक अच्छा गाइड ढूंढने में। ये बहुत ही अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप 7th क्लास में और आप 10th क्लास में हैं, तो ये आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि इस तरह के ऐप्स मुझे बनाने हैं? आपका इंटरेस्ट ये सिर्फ करिकुलम की वजह से है या आप अंदर से भी, आप हमेशा से चाहते थे इस तरह का कुछ करना? मैं जब 4th क्लास में था तब कोडिंग का करिकुलम हमारी स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ, तब मैंने जाना कि इससे हम ऐप्स, वेबसाइट्स, गेम इजीली बना सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में और रिसर्च किया, और अब जब मैंने पहला ऐप बनाया मेरा, तो मेरे को लगा मैं और ऐसे ऐप्स बना सकता हूँ और सोसाइटी की मेजर प्रॉब्लम्स को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐप्स बनाए, बहुत डेवलप किया, और आज मैं गूगल कोड टू लर्न का विनर हूँ। इस ऐप का आइडिया मुझे मेरी प्रॉब्लम से आया। अक्सर जब मैं घर पर स्टडी कर रहा होता था तब मुझे बहुत सारे डाउट आते थे, तो उन डाउट का हल निकालने के लिए मुझे या तो अगले दिन का वेट करना पड़ता था या फिर मुझे ट्यूशन ज्वाइन करनी पड़ती थी। तो जब 8th क्लास में कोडिद्या ने हमारे अंदर कोडिंग स्किल इनबिल्ट की, तो मुझे लगा कि इस प्रॉब्लम का हल कोडिंग के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने एक ऐसा ऐप बनाया जिसका नाम था यूरो चैट। उस ऐप की मदद से मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया और इसकी वजह से मुझे गूगल से ये रिकॉग्निशन मिला। तो जो कोड विद्या का करिकुलम है, ये किस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है उसको बूस्ट करता है? जब मेरे फादर मेरे लिए लैपटॉप लाए तो मेरे को लगा कि क्या भी मैं भी ऐसे सॉफ्टवेयर ऐप्स बना पाऊंगा। तो जब कोड विद्या का करिकुलम हमारी स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ तो मेरे को लगने लगा कि हाँ, मैं भी ऐसे ऐप्स बना सकता हूँ। हमारे टीचर्स ने और कोड विद्या ने ऐसी बुक्स बनाई जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, और जो कोड विद्या के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं, जिनमें मैं कभी विनर भी रहा हूँ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा है और जिसकी वजह से मेरा गूगल कोड टू लर्न ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा है। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स कोड विद्या एंड माय टीचर्स। आप लोग जैसे कोडिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पूरे नेशनल लेवल पर आपको रिकग्निशन भी मिली है गूगल के थ्रू, तो आप लोग अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं कोडिंग के साथ? आगे चल के मैं ऐसे बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स क्रिएट करूंगा जिससे कि जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व की जा सके। पर मेरा जो अल्टीमेट ड्रीम है वो है कि मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉक के अंदर जाऊं और देश की सेवा के हित में काम करूं, जिससे कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट गूगल कोड टू लर्न के इंडिया लेवल कंपटीशन में सिलेक्ट हुआ है, तो अब मैं चाहता हूँ इस आइडिया को मैं कंटिन्यू करूँ, इसका एक बिजनेस मॉडल बनाऊँ जिससे पूरे इंडिया में ये काम वर्क करे और बहुत एम्प्लॉयमेंट मिले। और बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए IIT जाना चाहता हूँ और ऐसी कंपनी खोलना चाहता हूँ जिससे मेरे को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर
बन जाऊँ मैं, और जो लोग हैं इंडिया के उनको मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो मेरी कंपनी ऐसी हो जो इंडिया का नाम रोशन करे। तो इन बच्चों से बात करने के बाद मैं इतना तो मैं अश्योर हो गया हूँ कि अगर इसी तरीके से बच्चे कोडिंग करते रहे या उनके बच्चों के स्कूल्स में, सभी स्कूल्स में अगर कोडिंग के करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया जाए तो बच्चे अपने फ्यूचर को ज़्यादा बेहतर शेप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों के स्कूल्स में भी अभी तक कोडिंग करिकुलम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने स्कूल मैनेजमेंट से बात करें ताकि वो कोडिंग करिकुलम को उनके सिलेबस में इनकलकेट करें और बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें सीखकर अपने फ्यूचर को ज़्यादा बेहतर बना सके। कहीं ऐसा नहीं हो कि आज हम जो चीज़ें मिस कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में, उसकी वजह से आने वाले समय में हमारे बच्चों को नौकरियां ही ना मिले। नौकरियां देने की बात तो बहुत दूर की है। बहुत बहुत धन्यवाद।